हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एवरी हेल्प इन हिंदी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी चलाने से पहले हमें गाड़ी में अपनी हाइट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। उसमें एक तो ड्राइविंग सीट एडजस्ट करनी पड़ती है, ORVM एडजस्ट करने पड़ते हैं। ORVM मतलब कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर, और IRVM एडजस्ट करना पड़ता है, उसका मतलब होता है इनसाइड रियर व्यू मिरर। और हमें स्टीयरिंग को किस तरीके से पकड़ना है गाड़ी चलाने से पहले, ताकि गाड़ी हमारे कंट्रोल में रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले बारी आती है ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करने की। ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सीट को आगे या पीछे करके अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, ताकि यहाँ से हम क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों पैडल को प्रॉपरली दबा पाएँ। और क्लच पूरी दबाने के बाद भी पैर में हल्का सा बैंड रहना चाहिए, जिससे क्या है क्लच पे से पैर स्लिप होने का चांस ना रहे। और उसके बाद हमें सीट का पीछे वाला पोर्शन एडजस्ट करना है। उसको कुछ लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कमर में दर्द होने लगता है और यहाँ पे गैप बन जाता है। हमें इसको थोड़ा सा पीछे को झुका के रखना है, जिससे कि कमर में गैप ना बने, ठीक है। और हमें स्टीयरिंग को कुछ इस तरीके से पकड़ना है दोनों हाथों से, और यहाँ पे हमारे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए, जिससे कि हम जब स्टीयरिंग को तेज स्पीड में चलती गाड़ी में अगर बचाने पड़ जाए तो यूँ घुमाएं तो कंधे पे खिंचाव ना पड़े, स्टीयरिंग आराम से घूम जाए। कुछ लोग स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए एक हाथ गियर पे रख लेते हैं, एक हाथ को स्टीयरिंग पे रखते हैं, वो गलत तरीका है। उससे क्या है तेज स्पीड में हम गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में बचा रहे हैं। दोस्तों सीट के बाद बारी आती है ORVM एडजस्ट करने के। ORVM को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है। ORVM को एडजस्ट करते टाइम जो शीशे का शुरू के थोड़ा सा हिस्सा है उसमें गाड़ी की बॉडी का पीछे का हिस्सा दिखना चाहिए, जैसा कि इसमें दिख रहा है। और उसके बाद इनसाइड रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने की बारी आती है, जिसमें कि आपको पीछे का जो शीशा है उसमें से वो पूरा दिखना चाहिए कि गाड़ी पीछे है कोई या नहीं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने की बारी आती है, वो भी सेम उसी तरीके से करना है जैसे कि राइट का करना है। और दोस्तों सबसे लास्ट में बारी आती है सीट बेल्ट की। किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके की ड्राइविंग से रिलेटेड और कार नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो मिलता हूँ मैं किसी ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।